हेलो एवरीवन, आई एम मनीष कुमार काकानी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CS 207 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा कोर्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिक्स और कुछ फंडामेंटल्स इस वीडियो लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि DBMS क्या होता है। DBMS का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड ए सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस दोज डेटा। DBMS क्या होता है? बहुत बड़ा लार्ज कलेक्शन होता है ऐसे डेटा का जो आपस में रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपस में उनका कुछ संबंध है, और उसके साथ सेट ऑफ प्रोग्राम मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम जो उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, उस डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए काम में आता है। मतलब ये डेटा प्लस प्रोग्राम का एक कॉम्बिनेशन है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब है डेटा बेस का मैनेज करने वाला एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटा को मैनेज करता है। प्राइमरी गोल ऑफ DBMS क्या होता है? प्राइमरी गोल कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा। प्राइमरी गोल DBMS का होता है, जो मेन गोल DBMS का होता है वो होता है डेटा को डेटाबेस में प्रॉपरली स्टोर करना, प्रॉपरली उससे रिट्रीव करना, कन्वीनियंटली हम उसको यूज कर पाए, एफिशिएंटली हम उसको स्टोर कर पाए। ये DBMS का मेन गोल होता है। डेटा के मैनेजमेंट से रिलेटेड जो मेजर काम होते हैं वो DBMS करता है। डिजाइन टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। DBMS स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए नहीं होता, DBMS होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए। जब डेटा बहुत ज्यादा हो, टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स, उससे भी ज्यादा डेटा हो, उस तरह के डेटा को हम कैसे मैनेज करें? जब डेटा बहुत लार्ज अमाउंट में हो जाता है तो डेटा को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस केस में डेटा को कैसे मैनेज किया जाए, डेटा को किस तरह से हैंडल किया जाए, डेटा के साथ किस तरह से ऑपरेशन अप्लाई किए जाए, डेटा को किस तरह से स्टोर किया जाए, ये सारी चीजें DBMS करता है जब हम DBMS को डेटा के साथ इंप्लीमेंट करते हैं। कहां कहां DBMS की एप्लीकेशन है? DBMS की एप्लीकेशन आपको हर एरिया में मिलेगी। आज के इस इंटरनेट युग में DBMS हर एरिया में आपको मिलेगा, चाहे वो बैंकिंग हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी बैंक्स के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें DBMS का यूज होता है। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, अब एयरलाइन के रिजर्वेशन होते हैं, एयरलाइन बुकिंग होती है, वो सब DBMS के थ्रू होती है। यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट का डेटा, अपने स्टाफ का डेटा, वो सभी डेटाबेस में स्टोर करती है। अपने कोर्सेज, अपने ईमेल सिस्टम्स, वो डेटाबेस के थ्रू हैंडल करती है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जैसे जियो, एयरटेल, BSNL, ये कंपनीज भी अपने एम्प्लॉइज का, अपने कस्टमर्स का डेटा डेटाबेस के थ्रू हैंडल करती है। फाइनेंस, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज जो फाइनेंस का काम करती है, जो फाइनेंस हैंडल करती है, वो भी डेटाबेस के थ्रू काम करती है। एचआर कंपनीज, प्लेसमेंट एजेंसीज, ये कंपनीज भी डेटाबेस की हेल्प से काम करती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि चाहे आप किसी भी एरिया में काम कर रहे हो, हर एरिया में आजकल डेटाबेस का इन्वॉल्वमेंट है। डेटा जो है असेट हो गया है, डेटा एक प्राइम एंटिटी हो गया है आज हर आदमी की लाइफ में। हमारी शुरुआत दिन की डेटा से होती है, हम एंड जो है दिन का डेटा से करते हैं, क्योंकि हम पूरे दिन मोबाइल से कनेक्टेड रहते हैं। मोबाइल क्या कर रहा है? मोबाइल डेटा को रिट्रीव कर रहा है, डेटा को जनरेट कर रहा है, डेटा को सेंड कर रहा है, डेटा को रिसीव कर रहा है। डेटा के साथ सारे ऑपरेशंस मोबाइल परफॉर्म कर रहा है। एक छोटा सा कंप्यूटिंग डिवाइस है मोबाइल। तो इस तरह से हम लोग आज डे टू डे लाइफ में, हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम लोग डेटा के साथ कनेक्टेड हैं और डेटा हमारे लिए एक बहुत प्राइमरी असेट बन चुका है। अब हम समझते हैं कि आज जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता था, पहले होता था फाइल सिस्टम।
फाइल्स में डेटा को स्टोर करें या डेटाबेस में डेटा को स्टोर करें, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा, तो ये चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि जो फाइल सिस्टम था, जो पहले काम करता था जब डेटाबेस नहीं था, तो फाइल सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस थे, वो क्या थे। डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ डेटा, एक ही डेटा बार बार रिपीट होना, बार बार उसका फाइल में आना, तो ये तो मेमोरी का स्टेज हो गया। तो डेटा रिडंडेंसी फाइल सिस्टम की एक प्रॉब्लम थी। इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक फाइल में डेटा अपडेट हो गया, दूसरी फाइल में डेटा पुराना ही रहा, ओल्ड डेटा रहा, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट डेटा। सभी जगह डेटा वैल्यू सेम नहीं है, तो एक जगह आपने स्टूडेंट के मार्क्स चेंज कर दिए, दूसरी फाइल में स्टूडेंट के मार्क्स चेंज नहीं किए, तो ये हो गया इनकंसिस्टेंसी। डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, फाइल्स में डेटा को एक्सेस करना बहुत मुश्किल था, फाइल्स को ओपन करना, फाइल्स में सर्च करना, फिर फाइल को डेटा को एक्सेस करना, तो बात काफी डिफिकल्ट टास्क था या डेटा को एक्सेस करना। डेटा आइसोलेशन, फाइल्स में डेटा आइसोलेटेड रहता था, डेटा इंटर रिलेटेड नहीं रहता था। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, जो डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम है वो फाइल में थी। एटोमिसिटी प्रॉब्लम, एटोमिसिटी का मतलब होता है कि इधर द ट्रांजेक्शन इज डन फुल और नॉट एट ऑल, तो ये सारी चीजें फाइल सिस्टम में हैंडल नहीं हो पाती थी, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको हैंडल करता था। कॉन्क्यूरेंट एक्सेस एनोमलीज, कॉन्क्यूरेंट एक्सेस का मतलब डेटाबेस को या फाइल को एक साथ कितने यूजर एक्सेस करते हैं, तो इस केस में फाइल सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी जो डेटाबेस में नहीं है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम, फाइल सिस्टम इनसिक्योर सिस्टम है, इतना सिक्योर सिस्टम नहीं है जितना डेटाबेस सिस्टम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारी 7 प्रॉब्लम्स आपको फाइल सिस्टम में मिलेगी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको ओवरकम करता है, जिसको वो हैंडल करता है, बेटर तरीके से उसको परफॉर्म करता है। अब हम कुछ बेसिक चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट कोर्स का स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा से डेटाबेस बना है। डेटा का क्या मतलब होता है? डेटा मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। कोई भी चीज जो रॉ है, जैसे कोई रॉ मटेरियल है किसी मशीन का, किसी भी जैसे शुगर मशीन होती है, शुगर मिल होती है, तो उसमें शुगर केन उसका रॉ मटेरियल होता है जो हम खेतों से खरीदते हैं, या फ्लोर मिल है तो आपका वीट उसका रॉ मटेरियल है। उसी तरह से डेटा जो है आज के कंप्यूटर मशीन्स का रॉ मटेरियल है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर विच आर यूजफुल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है ये? ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत यूजफुल है। आज की तारीख में सारी ऑर्गेनाइजेशन डेटा पे काम कर रही है, चाहे फेसबुक हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे ट्विटर हो, सभी कंपनीज डेटा पे काम करती है। डेटा बड़ा यूजफुल हो गया है, डेटा के बेसिस पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं। वी कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। अब बेसिस डेटा के बेसिस पे खाली डिसीजन नहीं लिए जा सकते, डिसीजन लिए जाते हैं डेटा से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। डेटा रॉ फैक्ट्स होता है, बट उसके बेसिस पे इसको प्रॉपरली इसको स्टोर करवाना पड़ता है डेटाबेस में, और उसके उसको जो है प्रॉपर डेटाबेस में स्टोर कराने का इंटर रिलेट करके उसके इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में जब आ जाता है तब उसको हम उस पर डिसीजन लेते हैं। दूसरा होता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? वेल प्रोसेस डेटा, प्रोसेस एंड मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस एंड मीनिंगफुल डेटा। डेटा को जब हम प्रोसेस कर दें, डेटा को जब हम मीनिंगफुल बना दें, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल 25 एक डेटा है, बट मैं कहता हूं कि राम इज 25 ईयर ओल्ड, तो ये एक इन्फॉर्मेशन बन गई। तो क्योंकि हमने उसको मीनिंगफुल बना दिया, हमने उसको रिलेट कर दिया, हम उसको प्रोसेस कर दिया। जब डेटा को किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाए तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। वी कैन टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम डेटा के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन हम डेटा से बनने वाली इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। फील्ड, अब डेटाबेस में एक टर्म होती है फील्ड। फील्ड क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स, सेट ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक डेटा एलिमेंट, तो उसको हम फील्ड कहते हैं। जैसे टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट जो होता है उसको हम फील्ड कहते हैं। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फील्ड, बहुत सारे एक टेबल के अंदर बहुत सारे फील्ड का जो कलेक्शन है उसको हम एक रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, डिफरेंट डेटा टाइप फील्ड्स। जैसे एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में पहला रोल नंबर हो गया, फिर नेम हो गया, फिर उसके बाद मार्क्स हो गया, फिर उसके बाद ब्रांच हो गई, फिर उसके बाद ईयर हो गया, तो ये कंप्लीट एक रिकॉर्ड हो गया। तो ये रिकॉर्ड जो है वो कलेक्शन ऑफ फील्ड हो गया। तो फील्ड और रिकॉर्ड जो है ये आपके टेबल में जब डेटा को स्टोर करते हैं तब ये टर्म्स यूज आती है। अब तीसरी टर्म आती है डेटाबेस। डेटाबेस क्या? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस में भी डिफरेंस है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक डेटा और सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है, मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टम है वो। बट डेटाबेस क्या है? सिर्फ कलेक्शन ऑफ डेटा है, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा अलोंग विद डिस्क्रिप्शन इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस।
क्या है, डेटा लॉजिकली रिलेटेड डेटा का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा इज डेटाबेस अलोंग विद द डिस्क्रिप्शन, मतलब उसके साथ मेटा डेटा भी होगा। डिस्क्रिप्शन का मतलब मेटा डेटा, मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। टपल, टपल क्या होती है, रो को टपल बोलते हैं डीबीएमएस के अंदर, रो को क्या बोला जाता है टपल। एट्रीब्यूट क्या होता है, कॉलम, कॉलम को हम क्या कहते हैं एट्रीब्यूट, कॉलम इज इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट, इट इज ऑल्सो टर्म एज फील्ड और डेटा आइटम। डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को हम कितने रिलेशनशिप में एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम बोलेंगे डिग्री। जैसे एक कोई टेबल है उसके अंदर फाइव कॉलम्स है तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, फाइव, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हो गए, फाइव। कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी होता है नंबर ऑफ टपल्स, टपल्स क्या होता है नंबर ऑफ रोज। अगर एक टेबल है उसके अंदर 10 स्टूडेंट का डेटा स्टोर है, मतलब 10 रोज है उसमें, तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी 10। तो डेटाबेस, टपल, एट्रीब्यूट, डिग्री एंड कार्डिनलिटी, ये सारी बेसिक टर्म्स हैं। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज या टपल्स, डिग्री का मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स, एट्रीब्यूट इज कॉलम नेम और कॉलम टपल इज रो। अब हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एक टेबल होती है, टेबल के अंदर हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे सिरों को, तो उसके लिए हमारे पास एक होती है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, एक की मतलब कुछ ऐसा वैल्यू जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, जैसे एक स्टूडेंट का डेटा है, एक क्लास में 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, उन सबको आइडेंटिफाई कैसे करें यूनिकली, तो उसके लिए हमारे पास रोल नंबर होता था। उसी तरह से डेटाबेस टेबल में एक प्राइमरी की होती है, एक कॉलम होता है जो उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की इज बेसिकली ए की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई दैट रिकॉर्ड और टपल इन अ रिलेशनशिप। दिस की कैन नेवर बी डुप्लीकेटेड और नल, ये कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ये कभी नल नहीं हो सकती। नल का मतलब नो वैल्यू, जीरो और नल में डिफरेंस है। जीरो का मतलब जीरो इज द वैल्यू, उसका मतलब जीरो वैल्यू, नल मतलब नो वैल्यू, जब उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, नॉट अवेलेबल है, तो हम उसको नल वैल्यू बोलते हैं। अब आता है हमारे पास फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की इज ए की दैट इज डिफाइंड एज प्राइमरी की इन सम अदर रिलेशनशिप, दिस की यूज टू रेनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन आर्टिकल। दो टेबल को जोड़ने के लिए हम फॉरेन की का यूज करते हैं। फॉरेन की एक टेबल में नॉर्मल कॉलम की तरह काम करती है और दूसरे टेबल में वो एक प्राइमरी की तरह काम करती है, और ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को, रेफरेंस वाली इंटीग्रिटी को एनफोर्स करती है, दो टेबल को आपस में जोड़ती है। कैंडिडेट की ये क्या होती है, कैंडिडेट की बेसिकली सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट विच कैन सर्व एज ए प्राइमरी की इन ए रिलेशनशिप। कैंडिडेट क्या होती है, सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट, वो सारे एट्रीब्यूट का कलेक्शन या सिंगल एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की तरह काम करता है एक रिलेशनशिप में। अब आता है अल्टरनेट की, ऑल कैंडिडेट की अदर देन प्राइमरी की इज नॉट अल्टरनेट की, जितनी भी प्राइमरी की कैंडिडेट की है प्राइमरी की को छोड़ के वो अल्टरनेट की है। कहने का मतलब है कैंडिडेट की इक्वल टू प्राइमरी की प्लस अल्टरनेट की। कैंडिडेट की 10 हो सकती है, प्राइमरी की ओनली 1 हो सकती है, बची हुई सारी की 9 जो है वो अल्टरनेट की हो जाएगी आपकी। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक पर्सन है, एक मैनेजर है, एक पोस्ट है, जो क्या करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द डेटाबेस स्कीमा। वो क्या करता है, डेटाबेस स्कीमा को डिफाइन करने के लिए जिम्मेदार होता है। डेटाबेस स्कीमा मतलब उसकी किस तरह से कितने नंबर ऑफ टेबल्स होगी, वो टेबल्स आपस में कितनी जुड़ी हुई होगी, कौन सी टेबल किससे कनेक्ट होगी, कौन सा डेटा कहाँ जाएगा, तो डेटाबेस स्कीमा से डिफाइन होता है। सेटिंग सिक्योरिटी फीचर इन डेटाबेस, वो सिक्योरिटी बोलेगा, एक्सेस कंट्रोल देगा, किस टेबल को रीड परमिशन मिलेगी, किसको रीड राइट मिलेगी, किसको रीड राइट एक्जीक्यूटेबल मिलेगी, किस यूजर को क्या परमिशन मिलेगी, ये सारी चीजें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल करता है। एंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डेटा, डेटा की प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो डीबीएमएस का जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हैंडल करता है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जब भी कोई नया स्टूडेंट एंटर करता है तो उसको वेरियस पोस्ट दी जाती है, जैसे प्रोग्रामर की पोस्ट, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट, जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट। हर पोस्ट के अकॉर्डिंग वो उसका काम अलग अलग तरीका होता है, वो जो पोस्ट उसको मिलती है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग वो काम करता है। जैसे एक प्रोग्रामर होता है, उसका काम होता है कोडिंग करना, प्रोग्राम बनाना, सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, इस तरह से प्रोग्राम बनाना।
उसी तरह से जैसे एक डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, उसका बहुत सारे डेटाबेस में या टेबल्स में या फिर किसी एक्सेल शीट में उसका काम होता है डेटा को एंटर करना, उसी तरह से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइनर होता है, वो सॉफ्टवेयर का डिजाइन फेज पे काम करता है, डिजाइनिंग करता है, उसी तरह से ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ये डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट करता है। डेटाबेस अपने आप में एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए, उसको संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत सारे यूजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे अच्छे एफिशिएंट लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी कुछ इस तरह का काम करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डेटाबेस के बेसिक्स के बारे में समझा, इंट्रोडक्शन के बारे में समझा, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है, ये सारी चीजें हमने जानी। होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।